स्टार आ रहा है मेरा वो रेड कार्पेट लगा है वो ऑलवेज कोई कम प्लीज देखो पिक्चर्स सर ये सेंटर इधर है सर ये राजा भाई तेरा पीछे अरे ना पीछे आ गया सर ये सेंटर सर ये राइट सर ये स्ट्रेट सर ये वहाँ बैठा हूँ स्टैंडिंग है सिटिंग है तो ये माइक्स तो सब ऐसे नहीं बूम पकड़ेंगे एक चलो ये बूम ले लो हाथ में सब आ जाओ एक साथ सब कर लेना अब पहले से कर लेते हैं सेमान तो पीछे वाला बूम उठा लेना बूम वो वाला उठा दूसरा बूम उठा लेना दूसरा ये किसका ये किसका है बस बस नॉक कर देंगे तैयार कर सॉरी रेडी काम फंसा दिया है तूने मुझे आते गोली माइक ऑन रोल जरूर या रोल माइक ऑन ठीक है या ओके सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मीडिया बुलाने की वजह क्या है क्या रिवील करने वाले हैं यार ये आप गौरंग से पूछिए मुझे क्या पता है मैं तो इधर आ गया हूँ क्योंकि मुझे बोला था कि हम कुछ स्पेशल रिवील करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता कि क्या स्पेशल है जो गौरंग जी को भी हम आ जाओ गौरंग जी आप ही आके बताइए इन्हें कि हम क्या स्पेशल रिवील करने वाले हैं ये बस ह्यूमर करना चाहते हैं बट नथिंग ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ स्पेशल ट्रेनिंग विच ही विल बी सेइंग बिकॉज अंधों की ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्शन की ट्रेनिंग कर रहे हैं बॉडी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं पूरी तरह घुस चुके हैं और नज़र आ ही रहा है आपको सुबह से लेके रात तक घुसे हुए हाँ सो बेसिकली आई थिंक डेढ़ महीने रह गए हैं बिफोर वी गो टू साउथ अफ्रीका टू शूट द फिल्म और आंखें ने बहुत was a very special film in my career और आज भी जब लोगों बात करते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ तो आंखें की बहुत चर्चा होती है और जब आंखें 2 अनाउंस हुई थी तो लोग बहुत खुश हुए थे और एटलीस्ट लोगों को मैं जानता हूँ तो इसको अलग लेवल पे किस तरीके से ले जाना है क्योंकि अभी यू नो टेक्नीशियंस भी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है इतना कुछ लोगों ने देखा है यू नो अभी काबिल भी आई थी फिल्म उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को तो एंड टू प्ले अ ब्लाइंड पर्सन तो आई थिंक द चैलेंज इज़ नॉट टू कम्पीट विद एनीबडी बट टू ऑल्सो रेज द बार और गॉर्डन्स बीन काइंड इनफ टू गिव अस वेरी वेरी गुड ट्रेनर्स फिजिकली जो वी कैन डू सम अमेजिंग स्टंट्स एंड सम अमेजिंग एक्शंस तो उनके साथ अभी ट्रेनिंग चल रही है और मैंने एक MMA का टीम भी लिया है इन द सुपर फाइट लीग तो उनके भी ट्रेनर्स वी आर टाइंग अप विद टू डू यू नो सम मिक्स मार्शल आर्ट्स और वो भी ट्रेनिंग अभी चालू हो रही है तो बट यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ टू गेट बैक इनटू द जोन ऑफ जो मेरा किरदार है हु इज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम आंखें 1 इनटू आंखें 2 उसको किस तरीके से अभी आगे लेकर जाएं और उसमें जो खूबियाँ हैं उसने किस तरीके से अपने स्किल्स अपने सेंसेस को एनहांस किया है इन अ रियलिस्टिक मैनर बट एट द सेम टाइम इन अ वेरी थ्रिलिंग मैनर उसे कैसे हम एनहांस कर सकते हैं तो उसके लिए यस बहुत ज़्यादा ही फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस बार और क्या हम नया देखने वाले हैं डेफिनेटली बहुत सारा एक्शन ज़बरदस्त एक्शन वेरी वेरी स्पेशल एक्शन वेरी ह्यूमर जो थी आंखें में भी ओके बट ग्रेट ह्यूमर एंड लॉट ऑफ स्टाइल आई थिंक इट गोइंग मच मोर स्टाइलाइज मूवी देन आंखें वॉज मोर वेरी वेरी रियलिस्टिक यू नो इसको हमने वी मेड दिस लार्जर देन लाइफ इट्स अ मच बिगर फ्रेंचाइज वी आर गोइंग टू अ बिगर लोकेशन वी गोइंग टू साउथ अफ्रीका वी गोइंग टू बी शूटिंग इन द कसिनोज देयर इट्स अ हाइस्ट दैट टेक्स प्लेस इन द कसिनोज सो या इट्स गोइंग टू बी आई थिंक मच बिगर and what I'm really looking forward to is कि किस तरीके से एक एक अंधे इंसान को एक्शन करवाते हुए जस्टिफाई करवाना, यू नो, कि वो जस्टिफाइबल भी लगे. और बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, थ्री ऑफ अस हु आर ब्लाइंड. इफ और ईच वन का जो सेंसेस होगा, ईच वन की जो खूबी होगी, जो क्वालिटी होगी, एंड हाउ द थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर as a team to get things done. As you mentioned, you're playing a blind person. Yeah. So you're taking any special training for this? I had already taken that during Aankhen. I'm very, मैं बहुत वाकिफ हूँ. In fact, जब मैं Hindu College में था as a student, तो उस वक्त हमारे colleges में सारे जो किताब होते हैं ब्रेल में नहीं होते. तो जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में, वी यूज्ड टू वॉलंटियर एंड गो एंड रीड ऑल द बुक्स टू देम. तो उनके साथ बहुत उठना बैठने का मौका मिला था उस समय. तो जिस तरीके से वो टाइम पढ़ते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, इट्स ऑल कैलकुलेशंस, यू नो, इन द स्टेप्स की 10 स्टेप्स राइट, यू नो, 4 स्टेप्स लेफ्ट, यू नो, 3 or 8 inches or I don't know how they plan it to feel the lock, कैसे दरवाज़ा खोलना. And they never made a mistake. It was so amazing. They never ever made a mistake. Or they didn't even need a stick. वो ऐसे ही चलते थे as if they were normal people. And to have that and to have that quality, I think most important is कि आपके आँखों पे पट्टा बांध लो, okay, and you just sit in your home. आपको आपके घर का ज्योग्राफी पता है और उस हिसाब से इमेजिन इट इन योर माइंड कि किस तरीके से वो होने वाला है. एंड यू वॉक से 10 स्टेप्स एंड यू टेक अ राइट एंड नॉट बैंग ओवर द सोफा. तो व्हेन आई एंड यू डू दैट, आई डू दैट एट होम, आई प्रैक्टिस दैट ऑल द टाइम. दैट वाज द प्रैक्टिस आई यूज्ड इवन देयर एंड द टेक्निक आई यूज्ड देयर टू ब्रिंग अ ऑथेंटिसिटी टू इट. और एक हमको पता भी चलता है कि एक कैलकुलेशन में जो चाल आती है और एक बस, you know, देखते हुए, एक्टिंग करते हुए हम चल रहे हैं, there is a bit of a difference. Right. So I would like to know कि कुछ 90s के songs रिपीट होने वाले हैं इसमें? नहीं, 90s के song तो कभी नहीं रिपीट होते. कुछ ऐसा पुराने गानों को जैसे ट्रिब्यूट करके न्यू सॉन्ग जैसे आ रहे हैं अभी, वैसा कुछ? अगर आंखें आप पुराना गाना मानते हो तो फिर आंखें का रीमेक्स होगा उसमें. वो जरूर होगा. जो अमित जी की सोलो लॉकी है वो है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, इनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, इनकी सारी पूरी बॉल गेम ही चेंज हो जाती है. तो लुक, फील, वाइब, यू नो, जिस तरीके से वो अभी काफ़ी आगे तक आ गए हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया है. तो टू डू दिस काइंड ऑफ हाइस, क्योंकि वो कामयाब हुए थे इन आंखें, तो अब उनको पता नहीं और क्या करना है. शायद उनको एक चस्का लग गया होगा कि यही करते हैं. सो दे मोर वेरी डेयरडेविलिश, यू नो, दीज पीपल. और वो अंधे हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक अंधा ऐसा कुछ कर सकता है. अच्छा, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होने वाली है, उसके आगे से कुछ और होगा? तो वहीं से शुरू होती है, मगर इन कुछ सालों बाद. और आई थिंक द ओनली 2 कैरेक्टर्स हु आर रिपीटेड आर अमित जी एंड मी. और उनकी जब मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ रेफरेंस टू. आंखें 2 में अक्षय कुमार जी नहीं है, तो इस छोटा बहुत कैमियो होगा उनका मूवी में, छोटा स्पेशल अपीयरेंस पे. प्रोड्यूसर साहब से पूछिए. नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें होगा, क्योंकि अक्षय इज बिजी विद हिज डेट्स. वी रियली वांटेड हिम इन द फिल्म और आई रियली लाइक अक्षय, यू नो, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब एंड ग्रेट वर्क नाउडेज. उनकी जो LLB भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है एंड ही इज रियली ग्रोन सो मच as an actor, and it would have been lovely to have him, but we're busy here. But we've again got a very wonderful team out there, you know, who we're going to be working with. Or we're a new generation of actors also who are joining us, and so it's going to be fun. So what's the status of Daddy? Daddy abhi bahut jaldi aane wali hai. We're just, I think, going to lock our date in the by this week. Even I am waiting for Daddy. By a week, 10 days. So yeah, I'm very happy with it. Ajit, aisa kaha ja raha hai. ऐसा कहा जाता था क्योंकि इलेक्शन की वजह से शायद फिल्म को, डैडी को थोड़ा आगे पीछे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, किसने कहा ये आपसे? ये सब कांग्रेस वालों ने. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अब फिल्म अभी भी एडिट हो रही है, यू नो, उसमें समय लगता है. यू मेक अ फिल्म, you want to get it absolutely right. So it's got background mixing. It's still under post-production. Date, I mean, we have to figure out still. I think it'll either be in April or May. और जो 21 तारीख को 21 फेब को इलेक्शन है बीएमसी इलेक्शन और खास करके जो खड्डों की या पानी वो सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं उससे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बीएमसी इलेक्शन है वो तो बीएमसी वालों से जाके पूछे यार मुझसे क्या पूछ रहे हो तो क्या किसको वोट दिया जाए मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ अपील तो कर दीजिए कि जाकर के लोग वोट करें प्लीज नहीं जाके तो हमेशा सभी को वोट करना चाहिए और आई थिंक वो हमारा राइट है एंड एवरीबडी शुड वोट on any election. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Thank you. Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan and watch me only on Facebook.com/businessofcinema.